हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में देखिए खमन ढोकला बनाने का सबसे आसान तरीका। इस रेसिपी से जो ढोकले हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनते हैं। तो इस तरह से आप ढोकला बनाएं, एकदम जालीदार सॉफ्ट ढोकले फटाफट से बनके तैयार हो जाते हैं। इसके लिए आपको पहले से तैयारी की भी ज़रूरत नहीं है, ये इंस्टेंट ढोकला है। ये ढोकले बिल्कुल मार्केट स्टाइल के बनके तैयार होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी हैं। इन्हें बनाने के लिए हम बेसन के अलावा इसमें और भी कुछ चीज़ें डालेंगे जो इसको बहुत ही स्पेशल बनाती है। ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका बैटर तैयार करना है, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ बेसन 1 कप। इसको एक बोल में डालेंगे। अब हम मिलाएंगे सूजी, तो सूजी से बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आता है ढोकले का। नमक आधी चम्मच डाल रही हूँ यहाँ पे मैं, साथ ही डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, बिल्कुल जरा सा, 1/4 चम्मच डालें आप। अब ढोकले का सबसे स्पेशल इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो है अदरक। तो अदरक को यहाँ पे पेस्ट करके रखा हुआ है मैंने, 1 चम्मच डाल देते हैं। साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। ये दोनों चीज़ें बहुत ही स्पेशल फ्लेवर और टेस्ट देती हैं इस ढोकले को, ये ज़रूर डालें आप। अब इसमें दही डाल देते हैं 1/4 कप। तो जितनी हमने सूजी ली थी उतना ही मैं दही डाल रही हूँ यहाँ पे। अब पानी मिलाएंगे, अभी 1/4 कप डाला है मैंने जितना दही लिया था, तो देख लेंगे, इसको चेक कर लेते हैं, अगर ज़रूरत हो तो और पानी भी मिला सकते हैं। तो यहाँ पे अभी थोड़ा थिक लग रहा है, थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। जरूरत के अकॉर्डिंग इसको मिलाएं और सही कंसिस्टेंसी आने तक आप इसको अच्छी तरह से विस्क करते रहें। इससे बैटर एकदम स्मूथ बनेगा और जो ढोकले हैं वो बिल्कुल फ्लफी बनेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये करेक्ट कंसिस्टेंसी है, बैटर इतना ही आपका थिन होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको कितना पानी मिलाना है। अब इसको ढक के रख देते हैं हम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद इसको चेक करेंगे, बस ये ढोकला बनाने के लिए तैयार है। अब इसमें हमें एक चीज और डालनी है, वो है ऑयल। तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ मैं 1 चम्मच। ये इंस्टेंट ढोकला है तो इसमें हमें डालना होगा फ्रूट सॉल्ट। तो यहाँ पे 1 चम्मच इनो सॉल्ट डाल रही हूँ मैं। इसे एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इनो से तो ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। अच्छी तरह से इसको एक मिक्स देंगे, बिल्कुल ज़रा सा पानी डाला है मैंने 1 चम्मच, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन रहे। ये बैटर अब पोर करने के लिए तैयार है, तो एक मोल्ड को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अगर आप इस तरह से स्क्वायर शेप का मोल्ड लेंगे तो कट करने में आसानी होगी। बैटर को मोल्ड में ट्रांसफर कर दें और अब ये स्टीम करने के लिए तैयार है। तो हम चलते हैं इसको स्टीम करने की तरफ। तो ऑलरेडी मैंने एक कढ़ाई में पानी गर्म किया हुआ है, इस तरह से इस पर एक स्टैंड रख देंगे और हमारा जो ये मोल्ड है इसको प्लेस करके और ऊपर से कवर करके ढक के रख देंगे। तो यहाँ पे हमें इसको पकाना है अच्छी तरह से, तो मैं इसे ढक के रख रही हूँ करीब 20 मिनट के लिए। अच्छी तरह से इसको स्टीम में पकने दें। तो ये बिल्कुल बिना ऑयल की रेसिपी है, इसलिए ये बहुत ही बढ़िया और हेल्दी बनती है, एकदम लाइट है। देखिए फटाफट से ये बनके तैयार हो गया है, बिल्कुल अच्छे से स्टीम हुआ है। इसे चेक कर लेते हैं टूथपिक से, ये देखिए ये बिल्कुल क्लीन बाहर आ रही है। तो इस तरह से आप चेक कर लें तो उससे आपको कन्फर्म हो जाएगा कि ढोकला आपका अच्छे से पक गया है। अब इसे निकाल के थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो इसको नाइफ की मदद से एजेस पे से अच्छे से लूज कर लें, ताकि इसको रिमूव करना आसान हो, क्योंकि हमें इसके पीसेस भी कट करने हैं। ईजिली ये निकल रहा है बिल्कुल, क्योंकि हमने नीचे ऑयल भी अप्लाई किया था और बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना था, तो ये बहुत अच्छे से स्टीम हुआ है। बस इसे उल्टा करके टैप करके निकाल लेते हैं। तो इस तरह से इसे डीमोल्ड कर लें। अगर आप ऐसी ही क्विक और टेस्टी रेसिपीज और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अच्छी तरह से ये स्टीम हो गया है, बहुत ही बढ़िया सा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। अगर आप सभी इंग्रेडिएंट्स को बिल्कुल करेक्ट रेशियो में लेते हैं और सही प्रोसेस से ढोकला बनाते हैं तो ढोकला एकदम परफेक्ट बनके तैयार होता है। अब इसे कट कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर पीसेस में कट कर रही हूँ। इस तरह से इजीली कट हो रहा है बिल्कुल, इसके पीसेस कट कर लें। तो अभी ये बिल्कुल ड्राई है, तो अभी हमें इसकी टेम्परिंग भी बनानी होगी, वो इसको और भी बढ़िया टेस्ट दे देती है। इसमें हमने सूजी भी डाली है, तो जो कंसिस्टेंसी है वो इसकी बहुत ही परफेक्ट आई है। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत बढ़िया बने हैं, ये देख सकते हैं आप एकदम जालीदार हैं। अब इसकी एक टेस्टी सी टेम्परिंग बना लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने पैन में डाला है ऑयल 1 चम्मच। अब डालेंगे इसमें राई 1 चम्मच। अब इसमें सफ़ेद तिल डाल देते हैं 1 बड़ी चम्मच। हल्का सा इसको सेक लेंगे, तो सफ़ेद तिल ज़रूर डालें आप कभी भी ब्रेकफास्ट बनाएं उसमें। अब इसमें डालेंगे हम करी पत्ते, तो करी पत्ते इसको बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देते हैं। 2 हरी मिर्च डाल देते हैं इसमें, इस तरह से हल्का सा इसको सॉटे कर लेंगे, बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है इसमें से। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं, यहाँ पे मैं 2 ग्लास पानी डाल रही हूँ। तो ये टेम्परिंग थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनाएं, क्योंकि जो ढोकला है वो इसको एब्जॉर्ब करता जाता है। अब
अब इसे बढ़िया सा खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए मैं यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ 1 बड़ी चम्मच और आधी चम्मच नमक। साथ ही हम डालेंगे नींबू का रस, तो पूरे 1 नींबू का रस मैंने इसमें डाल दिया है। बस अब इसे धीमी आंच पे बॉईल होने देंगे। अच्छे से जब ये बॉईल हो जाए तो बस ये टेम्परिंग आपकी तैयार है। तो इसको सर्व करते समय भी ऊपर से हम डालेंगे। तो आपने देखा कुछ ही मिनट्स में इतने बढ़िया जालीदार सॉफ्ट और स्पॉन्जी ढोकले हमारे बनके तैयार हो गए हैं और टेस्ट में भी ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं। इनको एक प्लेट में अरेंज कर लेते हैं इस तरह से। अब हम इसके ऊपर ये टेम्परिंग डालेंगे, तो अच्छी तरह से इसको डाल दें क्योंकि ये धीरे धीरे इसको एब्जॉर्ब करता है। और ये बढ़िया सा टेस्टी खमन ढोकला बनके तैयार है, वो भी कुछ ही मिनट्स में। आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। इस तरह से आप खमन ढोकला जरूर बनाकर देखें, एकदम परफेक्ट बनेंगे ढोकले। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें ताकि सारी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।